that. और दूसरे पैर को भी लगाओ आगे मत्था रख दे मत्था रख लो अगर घुस सकते हो खुश रहो सिर्फ खुश ही रहे उससे ऊपर क्या और कुछ भी करा दो चलो सुखी रहो नहीं फिर तुम सुखी बोला तो सुखी रहो खुश रहो लिख कर रहे हैं तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट लिखा है शादी हमारी हाँ बेटा अरेंजमेंट अरे बाप रे ये आपने तो मेरी दिल की बात ले ली मैं भी ये बात क्या बेटा ये तो तुम्हारे परिवार की इच्छा है तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए और हम लोग इससे यानी अपनी जिम्मेदारी से निजात पा लें हम भी शादी करना हमारी भी ऐसी सोच मिलती हाँ तो तुम्हारी शादी तो तय कर रहे हैं ना बेटा किसके साथ कैर तय कर दी है किसके अपने अपने गांव में जो वो है ना ठाकुर साहब छोटे ठाकुर हैं ठाकुर साहब है ना मतलब इतने पैसे वाले नहीं है लेकिन उनकी लड़की सुशील है लड़की बहुत अच्छी है बहुत सुशील है बहुत खूबसूरत है तो उसके साथ शादी हमने तय की लेकिन एक दिक्कत है क्या दिक्कत है हम शादी तो करना चाहते हैं हाँ लेकिन हम सुशील से शादी करना चाहते हैं सुशील हाँ सुशील के सुशीला नहीं नहीं उसमें बड़ा ला नहीं है छोटा ला है सुशील मैं समझा नहीं जरा विस्तार पूर्वक समझाओ मतलब हमको आप पीटेंगे तो नहीं जूता तो खुला ही रहता है मेरा हर वक्त हमको लड़की से नहीं लड़के से शादी करनी लड़के से शादी अवैध होती अब वैलिड हो गई है नहीं अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया आ गया तू बता दिया धारा 377 सही है धारा 377 सही है उसका क्या अर्थ होता मतलब अब दो लोग कोई अगर साथ रहना चाहे शादी करना चाहे तो कर सकते बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है या क्या हो गया तुमको अच्छा भला तू काम काज करो चल के अपना हाथ पटाओ हमारा काम काज में और शादी करो वो लड़की से घर में बहू आएगी हमारे बच्चे कच्चे होंगे हम भी अपना थोड़ा करेंगे जीवन में कहा करें प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ये सब वो जो नाटकीय ढंग से मैं सब बात नहीं कर मैं थप्पड़ मार तो नहीं दिया सीधा सिंपल सिंपल बताओ हमको लड़की से मुझसे नहीं शादी करनी है हमको सीधी सी बात हम हमको पसंद है कौन वही सुशील लड़का है हाँ तो लड़के से शादी करोगे लड़के से शादी करोगे क्यों लड़के से क्यों शादी करोगे मुझे ये बताओ तुम्हारे में क्या कमी है कमी नहीं है अब हमको अच्छा लगता है उसके साथ तो थोड़े दिन के लिए कोई इंसान अच्छा लगता है वो समझे लेकिन जीवन भर तो एक लड़की के साथ शादी करनी है ना उसके साथ रहना है ना नहीं हमको लड़के से शादी तुमने कभी लड़की के साथ जाके ट्राई किया है हमको फीलिंग ही नहीं आती लड़की के साथ आती ही नहीं नहीं आती है कितनी लड़कियों के साथ ट्राई किया अभी तक याद तो नहीं अच्छा काफी मतलब तुमने ट्राई करके ये क्या कर रहे हो टिक 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 हाँ डर लगता है हाँ तो डर तो लगना ही चाहिए इतना कांड करके आए हो तो तुमको डर तो लगना ही चाहिए कभी किसी लड़की के साथ में संबंध बनाने की कोशिश की है नहीं वो क्यों तुम नहीं पहुंचे क्यों हमारी शकल ही ऐसी है सब कहते हैं कि तुम्हारी शकल ही नहीं अच्छी है
ठीक है बेटा, तेरी शक्ल को गुजरे, तेरे से ज्यादा गए गुजरे लोगों की शादी हुई है। आप समझ रहे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हम लड़की से नहीं, हम लड़के से शादी करना चाहते हैं। तेरी शादी इस लड़की के साथ हो रही है, बस बात समाप्त, इससे बात आगे बढ़ेगी नहीं। और अगर तुमने किसी लड़के की बात करने की कोशिश की तो अब इसके बाद पिटाई होगी। अब कहे उसकी जिंदगी कहे बर्बाद करना चाहते, किसकी? वो लड़की की। क्यों? आप हमसे शादी करा दोगे जबरदस्ती तो वो भी बर्बाद हो जाएगी ना, हमारा इंटरेस्ट किसी और है। हमने ठाकुर साहब को जबान दी और अब तुम्हारा ये हाल है। पक्का तुमको लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है? कभी कभी लड़की को ठीक से देखा है? मन ही नहीं करता हमको, लड़की को देखने का मन नहीं करता है नहीं। तो लड़के का क्या है, इतना तुमको ये हो गया है शौक? ये कब से है तेरे को लड़के का शौक? डेढ़ दो साल। उससे पहले तो नहीं था ना? नहीं। उससे पहले तो तुम नॉर्मल थे ना? तो फिर यार ये तो बड़ी बकवास वाली बात कर रहे हो। क्या भविष्य क्या है? भविष्य बना कहां पे तुम्हारे? कोई बच्चे बच्चे तो होंगे नहीं, और कल को अगर उसको कोई और पसंद आ गया तो तुमको छोड़ के चल देगा। कोई बॉन्डेज थोड़ी होता है, कोई आपस में ऐसा संबंध थोड़ी बनता है। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? कल को उसको कोई और पसंद आ गया वो चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। हम उसको पसंद आ करते, वो भी हमको पसंद करते, तो सरकार भी मानती, आप भी मानते। पागलों वाली बात है, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा आज तो ठीक है, तुम जवान हो, जब शरीर थोड़ा दुबला होना शुरू होगा, बुढ़ापा आएगा, तभी सब समाप्त हो जाएगा। तभी अपनी पत्नी ही सारे जीवन के साथ में निभाने के काम आती है। कोई जरूरी थोड़ी है शादी चले, पत्नी भी तो कहीं जा सकती है। हैं? पत्नी भी तो कहीं जा सकती है बीच में छोड़ के। तुम्हारी अम्मा तो नहीं गई? हर कोई हमारी अम्मा थोड़ी हो जाएगा। हो भी सकती? नहीं भी हो सकती। आप समझ कह नहीं रहे, जब आप जानते हैं हमको, हमारी पूरी कंडीशन जानते हैं आप, हमको नहीं आता इंटरेस्ट लड़कियों में। अच्छा, तुम्हारा ये मित्र कहाँ रहता है? उधर बुलाए, लेके आए? लेके आए हो तुम साथ? बिल्कुल साथ है। अरे उसने हमको गुलाब भी दिया, ये देखो सूखा गुलाब लेके आते लाए। ओ मैं उसका बाप हुआ है, बादल लाउंडिया की तरह चल रहा है, सीधा बैठ इधर, आदमी बना आदमी, इतनी बड़ी गाड़ी रख के तो लटकोनी करके चल रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ छोड़ो, बुढ़ापे आ गए, दिमाग काम नहीं करता। हाय, यार एक बात तो है, तेरी चॉइस बड़ी खूबसूरत है, ऐसा नमकीन लौंडा ढूंढ कर कैठो बार मोहब्बत पूरी हुई है तुम्हारी? गिने नहीं। इतना हो गया? शाबाश, समझ रहे हैं? बहुत, इससे ज्यादा मत कर, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि तुम कौन हो। अब इससे ज्यादा दर्शाओ नहीं।
पसंद है ना लड़का? बहुत पसंद आ गया। अरे वाह, मुबारक हो। मान रहे हैं? मान के एक बात बताओ, आप मान गए? गए नहीं, आप मान गया हो, गए नहीं। इनके मुंह से ये ही निकलेगा ना, और तो कुछ निकल नहीं सकता है। अब सुनो, तुम इसके साथ शादी करो। हाँ। और ये तुम्हारे साथ शादी करेगा। हाँ। दोनों इकट्ठे रहोगे। हाँ। माँ बाप भी राजी हैं। हाँ। किसके माँ बाप ने? तुम्हारे माँ बाप ने छोड़ छोड़ दिया? छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। छोड़ दो, चलो माँ बाप की जरूरत नहीं, मर्द मिल गया है तो फिर अब क्या। आप हो ना पापा? आप हो ना, इसलिए तो आपसे अब बात करने आए हैं। अब राजी हो जाओ? हाँ, मैं तो राजी हो गया। सब क्या दिक्कत है? अब एक काम करो, एक काम करो, ये सब बाहर जाके कर लेना, बाप के सामने नुमाइश करनी जरूरी है। कभी बाई चांस तुम्हारी सब कुछ जागृत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कहा मजाक कर रहे हैं आप? मजाक क्या कर रहे हैं, भावना तो कहीं भी जागृत हो जाएगी। इतनी भी भावना नहीं है, कहीं भी जागृत हो जाती है। इसकी तो देखो ऑलरेडी जागृत होके आई है। ये तो अपना नाम सुशीला रख ले। सुशीला तो हो या सुषमा, दोनों चलेगा। अभी तो सिर्फ सुशील चलता है। तूने डलवा दी इसको? तूने नहीं डाली अपनी? ये हमारी है। आपने भी तो नहीं डाली? डाला था, बेच दे। बेच दे इस काम के लिए, वो काम छोड़ दिए। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों जने कल सुबह वहाँ कोर्ट में जाके अपनी शादी करो। आप आएंगे ना? और ना ऐसे ही लौंडे दो चार उधर से पकड़ लेना, उनसे साइन करा लेना, और दोबारा तुम दोनों इस घर में आना मत। यहाँ आना तुम्हारा मना है, अपनी लौंडिया को साथ में ले जाओ। लौंडा तुम्हारे लिए तो लौंडिया है नहीं, जिस तरह से वो चल रही है। समझो, समझ गए ना? वो तो बिल्कुल समझ। अब तुम्हारे चाल से पता चल गया था कि तुम कौन सी छमिया हो रहे। थैंक यू। ये कब से है शौक तुमको? जब से पैदा हुए? खूब नाम रोशन करोगे तुम। अपना फूल तो उठा लियो, गिर गया। तुम उठाने के बहाने गलत जगह पे हाथ मत डालो, सीधा बैठ के। वेरी नॉटी, वेरी नॉटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही इज अ नॉटी बॉय। मेरे बाप सब जानते हैं। जा आएंगे ना कोर्ट? नहीं, मेरे को अपनी बदनामी कराने का कोई शौक नहीं। अब बदनामी हो चुका? हो चुकी है भले, लेकिन और इससे ज्यादा कराने की आवश्यकता नहीं। डोंट बी अ स्टीरियोटाइप बेबी, ये कर दो ना, और जारी मेरी खतरे का संकेत हो रहा है, निकलना चाहिए। ओ सदा स्वागत हो, तुम तो सदा खुश रहो। देखो उसका कितना बढ़िया सा हिसाब किताब है। बड़ी मुश्किल से चल पा रही है, रास्ते में एक तो सब्जी दिलवा देना उसको।